बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मिस्र के शहर कायरा के अंदर एक बहुत बड़ा बाजार था। उस बाजार का नाम वेसली बाजार था। उस बाजार के अंदर एक सुनार की दुकान थी और वो सुनार बहुत सखी और रहमदिल इंसान था, इसीलिए उसकी दुकान बाकी ताजरों से बहुत अच्छी थी। एक दिन वो सुनार अपनी दुकान में बैठा हुआ था कि उसकी दुकान में एक चोर दाखिल हुआ। सुनार जेवरात बनाने में मसरूफ था और उसकी उम्र ज्यादा थी, इसीलिए नजर भी कमजोर हो चुकी थी। वो अपने काम को बड़ी तवज्जो से कर रहा था कि इतने में एक चोर दाखिल हुआ। उसने जेवरात चोरी करना शुरू कर दिए। उस सुनार की नजर जेवर चोरी करते हुए चोर पर पड़ी तो सुनार उस चोर को पकड़ने की खातिर उठा ही था कि इतने में एक औरत दुकान के अंदर दाखिल हुई और आकर उस चोर के कदमों में गिर गई और उसके पैरों को चूमने लगी। ये देखकर सुनार बड़ा हैरान हुआ और पूछा, ए खातून, ये एक चोर है और तुम क्या कर रही हो? तुम इसके पैर क्यों चूम रही हो? उस खातून ने कहा, सुनार साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? ये हमारे इलाके के बहुत ही बड़े फकीर इंसान हैं। ये जिसके सर पर हाथ रख दें, उसका बेड़ा पार हो जाता है। ये जिसके लिए दुआ कर दें, उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। आपको शायद गलत फहमी हुई है, आप इनके बारे में गलत सोच रहे हैं। सुनार भी बड़ा कश्मकश में पड़ गया कि शायद ये खातून सच कह रही होगी। फिर इस खातून ने कहा, बाबा जी, आप इस सुनार के सर पर हाथ रखें। उस चोर ने सुनार के सर पर हाथ रखा और फिर उस खातून ने चोर से कहा, बाबा जी, आप इसे अपना बरकत वाला रोमाल दें ताकि ये अपने मुंह पर फेरे और इसके मुंह पर नूर फैल जाए और इसके कारोबार में बरकत हो जाए। उस चोर ने अपने जेब से एक रोमाल निकाला और सुनार को दिया और कहा कि तुम इसे अपने मुंह पर फेर दो ताकि तुम्हारे चेहरे पर नूर आ जाए। सुनार ने वो रोमाल लिया और अपने मुंह पर फेरने लगा। जैसे ही उसने उस रोमाल को अपने मुंह पर फेरा तो वो सुनार वहीं पर बेहोश हो गया। उस चोर और उस खातून ने मिलकर उस सुनार की दुकान को खाली किया और वहां से फरार हो गए। वक्त गुजरता रहा और इस वाकिए को तकरीबन 2 साल गुजर चुके थे। उस सुनार ने बड़ी मुश्किलों से दोबारा अपनी दुकान को खड़ा किया। एक दिन इसी तरह फिर से वो सुनार अपनी दुकान में बैठा हुआ था कि 3 आदमी जो के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्ला अलैह के सिपाहियों के लिबास में थे, उसी चोर और खातून को पकड़कर उसकी दुकान में दाखिल हुए और उस सुनार के पास लेकर आए और कहा, सुनार साहब, यही वो चोर है जो 2 साल पहले आपकी दुकान से चोरी करके भागा था। आप बताइए कि इस चोर ने आपको कैसे बेवकूफ बनाया। सुनार ने शुरू से लेकर बताया कि किस तरह चोर उसकी दुकान में दाखिल हुआ और जब मैं इसको पकड़ने लगा तो एक खातून दुकान में दाखिल हुई और इस चोर के पैर चूमने लगी और कहने लगी कि ये एक बहुत बड़ा फकीर इंसान है। और फिर उस चोर ने अपनी जेब से एक रोमाल निकाल कर दिया और कहा कि मैं इसको अपने मुंह पर फेरूं जिससे मेरा मुंह नूरानी हो जाएगा और मेरे माल में बरकत आ जाएगी। उन सिपाहियों में से एक सिपाही ने अपनी जेब से रोमाल निकाला और कहा, बताओ किस तरह इसने तुम्हें रोमाल सुंघाया था। सुनार ने फिर से उस सिपाही से रोमाल लिया और वैसे करके दिखाया जैसे उसने पहले किया था
और फिर इस दफा उसने जैसे ही रुमाल अपने मुंह पर फेरा तो सुनार दोबारा से बेहोश हो गया और उन तीनों ने दुकान का दरवाजा अंदर से बंद करके सारा माल अपने थैलों में डाला और फिर गायब हो गए। जब उस सुनार को होश आया तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि अब वो दूसरी बार अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी गवा चुका था। वो बड़ा परेशान हुआ। इसी तरह वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरने के साथ साथ वो सुनार अपने इस नुकसान को भूल चुका था और फिर से उसने अपने घर की सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके उसको बेचा और दोबारा अपने कारोबार को शुरू किया। वक्त गुजरने लगा और अब इस वाकये को 6 माह गुजर चुके थे। एक दिन सुनार अपनी दुकान में बैठा था कि इतने में एक बूढ़ी औरत सुनार की दुकान में दाखिल हुई। गर्मी का दिन था। उस बूढ़ी औरत ने कहा, सुनार साहब, मैंने अपनी बेटी के लिए जेवरात बनवाने हैं, क्या आप मुझे जेवरात बनाकर दे सकते हैं? तो उस सुनार ने कहा, जी हाँ माँ जी, मैं बनाकर दे सकता हूँ। तो उस औरत ने कहा, कितने पैसे लोगे? सुनार हिसाब लगाने बैठा तो इतने में उस बूढ़ी औरत का सांस फूलने लगा और उसका सांस इतना फूला कि वो वहीं पर बेहोश हो गई। सुनार ने दुकान से बाहर आवाज लगाई कि जाओ हकीम साहब को बुला कर लाओ, एक औरत बेहोश हो गई है। तो इतने में एक नौजवान लड़का दरवाजे पर आया और कहा, हुजूर क्या हुआ? तो सुनार ने कहा, ये बूढ़ी औरत शायद सांस के फूलने की वजह से बेहोश हो गई है, जाओ किसी तबीब को बुला कर लाओ। वो नौजवान गया और अपने साथ एक तबीब और उसके साथी को बुला कर लाया। सुनार बहुत परेशान हो गया था क्योंकि उसको खुद भी यही बीमारी थी और कभी कभी उसका सांस फूल जाता था। बहुत सारे तबीबों से इलाज करवाने के बाद भी वो सेहतयाब ना हो सका था, बस जिंदगी के दिन गुजार रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी कि वो तबीब आ गया और उसने अपने थैले से एक जड़ी बूटी निकाली और उस बूढ़ी अम्मा को सूंघाई तो चंद ही लम्हों में वो बूढ़ी अम्मा होश में आ गई और इस तरह हो गई जैसे उसको सांस की बीमारी है ही नहीं। ये देखकर सुनार बड़ा हैरान हुआ और कहा, तबीब साहब, आप वो जड़ी बूटी मुझे भी दें, क्योंकि मैं भी इस बीमारी से बहुत परेशान हूँ। उस तबीब ने अपने थैले से जड़ी बूटियाँ निकाली और उस सुनार को दी। उस सुनार ने जैसे ही वो जड़ी बूटी सूंघी वो फिर से बेहोश हो गया। वो बूढ़ी औरत और वो हकीम दरअसल एक चोर थे और उस औरत ने एक बूढ़ी औरत का हुलिया अपनाया हुआ था। उन सब ने फिर से अंदर से दुकान का दरवाजा बंद किया और सारा सामान अपने थैलों में भरा और वहां से रफू चक्कर हो गए। अब जब तीसरी मर्तबा सोनार लुट गया और उसकी आंख खुली तो अब वो हिलने के काबिल भी नहीं था, क्योंकि वो अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी और अपने घर को बेचकर सब कुछ लुटा चुका था। वो बहुत परेशान हो गया और रो रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक तरकीब आई और वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की तरफ चल पड़ा। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने हाजिर हुआ और शुरू से लेकर मुकम्मल दास्तान सुल्तान को सुनाई और सुल्तान को बताया कि किस तरह उन शातिर चोरों ने सुनार को 3 मर्तबा बड़ी ही चालाकी से लूट लिया। ये सुनकर सुल्तान बड़े हैरान हुए कि आखिर चोर इतने शातिर कैसे हो सकते हैं कि एक ही सुनार को बड़ी ही फुर्ती से 3 मर्तबा लूट चुके हैं। सुल्तान को हैरत भी हो रही थी और उन चोरों पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उन्होंने इस पूरे बाजार में सिर्फ एक सुनार को ही लूटने का ठेका ले रखा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह परेशानी की
हालत में बैठे थे। फिर इतने में सुल्तान के दिमाग में एक तरकीब आई और सुल्तान ने अपने खजांची को हुक्म दिया कि इस ताजिर को इतनी रकम दो कि फिर से ये अपनी दुकान को सामान से भर सके। ये सुनकर उस ताजिर ने कहा, हुजूर, ये मेरे मसले का हल नहीं। अगर मैंने फिर से कारोबार शुरू किया तो फिर वो चोर मेरे पास आएंगे और बड़ी ही चालाकी से मुझे लूट कर चले जाएंगे। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, मैं भी तो यही चाहता हूँ। ये सुनकर सोनार बड़ा हैरान हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्ला अलैह ने कहा, अरे बाबा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार चोरों का सामना आपसे नहीं बल्कि इस सरजमीन के सुल्तान से होगा। ये सुनकर उस बुजुर्ग सुनार ने कहा, हुजूर, मुझे आपकी बातों की समझ नहीं आ रही, आप मुझे खुले अल्फाज में समझाएं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्ला अलैह ने कहा, इस दफा आपकी दुकान में मैं एक ताजिर का भेस बदल कर बैठूंगा और मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि वो मुझे आपका बेटा समझकर किसी नई तरकीब से बेवकूफ बनाकर दुकान लूटने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं इन्हें ऐसे जाल में फंसाऊंगा कि उनके सारे बुरे कामों का उनको हिसाब देना पड़ेगा। ये सुनकर उस बुजुर्ग ने कहा, हुजूर, इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो सुल्तान ने कहा, ऐ बुजुर्ग, जब तक मेरे दिन लिखे हैं, मुझे मौत नहीं आ सकती। वो बुजुर्ग सुनार खजांची से सोने के सिक्के लेकर चल पड़ा और चंद दिन बाद आकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को खबर दी, हुजूर, मैंने अपनी दुकान को एक दफा फिर सामान से भर दिया है, लिहाजा कल से इस दुकान को दोबारा खोलने का सोच रहा हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्ला अलैह ने कहा, कल मैं ताजिर के भेस में तुम्हारी दुकान में आ जाऊंगा और मुझे यकीन है कि वो चोर हमारे पास जरूर आएंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्ला अलैह एक ताजिर का भेस बदल कर वहाँ पहुँचे। सुल्तान एक माहिर ताजिर की तरह दुकान को चलाने लगे। वक्त गुजरने लगा और सुनार की जगह सुल्तान को देखकर और सुल्तान की अकलमंदी को देखकर बहुत सारे गाहक आपकी दुकान की तरफ आने लगे। जब ये खबर उन चोरों तक पहुंची, तो वो भी एक नई तरकीब के साथ सुनार को लूटने के लिए पहुंच गए। जैसे ही उन चोरों ने देखा कि अब दोपहर का वक्त है और दुकान में हुजूम खत्म हो गया है, तो उन चोरों में से एक वही खातून और वही बड़ा चोर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की दुकान में दाखिल हुए और कहा, हुजूर, मैं अपनी बीवी के साथ रास्ते में आ रहा था और रास्ते में हम पर डाकुओं ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से मेरी बीवी जख्मी हो गई और जख्मी होने की वजह से उसके जेवरात पर सारा खून लग गया है और खून में मौजूद तेजाबियत की वजह से उसके जेवरात का रंग खराब हो गया है और जेवरात में से खून की बू आती है। हुजूर, आप इन जेवरात पर मजीद सोने का पानी चढ़ा दें और हमें इस काम की रकम बता दें ताकि हम अदा कर दें। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्ला अलैह ने जब उन जेवरात को देखा तो वो बिल्कुल सही थे। सुल्तान ने कहा, ये जेवरात तो मुझे बिल्कुल सही नजर आ रहे हैं। तो उनमें से एक चोर ने कहा, सुनार जी, आप इन जेवरात को सूंघ कर देख लें कि इसमें अभी तक भी इंसानी खून की बू आती है। जैसे ही सुल्तान ने उस चोर की ये बात सुनी तो सुल्तान समझ चुके थे कि ये फिर से उनकी एक नई चाल है और ये जेवरात के जरिए मुझे नशीली चीज सूंघा कर बेहोश करना चाहते हैं ताकि इस दुकान को दोबारा से लूट सकें और ये इस बार एक नई तरकीब के साथ आए हैं।
और सोनार की तरह मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्ला अलैह ने अपनी नाक से वो जेवरात लगाए और अपनी सांस को रोके रखा और बेहोश होने का नाटक करने लगे। थोड़ी देर गुजरी, चोरों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्ला अलैह को देखा कि आप बेहोश हो चुके हैं, तो उन्होंने अपने अपने थैले निकाले और दोबारा से सारा सामान समेटने लगे। जब वो सारा सामान समेटकर दुकान से भागने लगे तो सामने देखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्ला अलैह छलांग लगाकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। जब उन्होंने सुनार के हाथ में तलवार को देखा तो खौफ की वजह से उनके थैले उनके हाथों से गिर गए। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, तुमने इस गरीब को बहुत दफा लूट लिया, अब सब चोरियों का हिसाब देने का वक़्त आन पहुंचा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उन चोरों को पकड़ा और अपनी अदालत में ले गए और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उनसे वो तीनों चोरियां मनवाई और उसके बाद उन्होंने वो सोना जहाँ पर छुपा कर रखा हुआ था, सुल्तान ने वो सारा सोना निकलवा कर उस बुजुर्ग सुनार को दिलवा दिया और इसके बाद उन चोरों को सख्त से सख्त सजा सुना दी और इसके बाद वो तमाम बाजार वाले बड़े खुशहाल हो गए क्योंकि उस गिरोह के तमाम चोरों ने बाजार वालों को बहुत परेशान कर रखा था। वो बहुत ही अजीब तरीके से आते और लोगों को लूट कर चले जाते और उनको सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्ला अलैह ही अपनी दानिशमंदी और अकलमंदी से पकड़ सकते थे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।